टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना दम दिखा रहे आशीष शर्मा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में आशीष ने अपने करियर से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा किया है। छोटे पर्दे पर तो उन्होंने जमकर अपना और अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है, लेकिन वही कमाल क्या वो बड़े पर्दे पर भी दिखा पा रहे हैं? लव, सेक्स और धोखा से आशीष ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसके बाद वो कई और फिल्मों में भी नजर आए, जैसे कि खेजड़ी, डाउन अप द एग्जिट 796, जिंदगी तेरे नाम, जेल वगैरह वगैरह। हाल फिलहाल में आशीष के पास हिंदुत्व और हर्ष जैसी फिल्में हैं। फिल्मों के अलावा अब आशीष OTT पर भी धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में वो अपनी सीरीज मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन टीवी से बॉलीवुड तक पहुंचने का आशीष का सफर कैसा रहा, उन्होंने ये टाइम काटा या फिर एंजॉय किया, इस पर खुद आशीष ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्पॉट बॉय के साथ खास बातचीत में आशीष ने बताया कि आई हैव फिनिश्ड शूटिंग द टू फिल्म्स, वन इज हर्ष अ थ्रिलर एंड द अदर वन इज टाइटल्ड हिंदुत्व, विच इज अ सोशल ड्रामा एंड अ लव स्टोरी, बट आई डोंट नो इफ द जर्नी विल बी इजी एंड स्मूथ, देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस टू बी क्रॉस्ड, इट इज नॉट इजी फॉर एन आउटसाइडर टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम एंड क्रिएट योर ओन स्पेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट एंड पेशेंस, इट इज नॉट अ सिंगल मैन जॉब, यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू, सो द जर्नी हियर इज नॉट स्मूथ। जब आशीष से नेपोटिज्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि Nepotism is evidently there and we can't run away from that fact. That is why you don't have space to enter. The first step is easy for the industry kids and our journey to even reach that first step takes years and years. As a TV actor, we have another fight and that is we are labeled as TV actors. आशीष ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये भी बताया कि जब बॉलीवुड के लोगों को पता चलता है कि आप एक टीवी एक्टर हैं और टीवी की दुनिया से आए हैं तो वो साफ रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई ये भी बोल दे कि ये एक फेमस टीवी एक्टर है तब भी वो आपको लेने से साफ इनकार कर देते हैं और आपके टैलेंट का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आशीष की बातों से साफ पता चलता है कि उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही और आगे की भी नहीं होने वाली है, उन्हें बहुत चीजों से लड़ना और सीखना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है और वाजिब भी है कि जब एक पॉपुलर टीवी एक्टर इस फेज से गुजर रहा है तो आखिरकार किसी आउटसाइडर का क्या होगा? आपके क्या ओपिनियन है इस पर? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।